बंगाल विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी को झटका देना बंद नहीं किया। ममता बनर्जी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करती, इसके ठीक पहले टीएमसी के एक विधायक, एक मेयर और तीन पार्षदों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग से पहले इतने इस्तीफे ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका है और लगता नहीं कि बीजेपी उन्हें झटके देना बंद करने वाली है। माना जा रहा है कि चुनावों के दौरान भी टीएमसी से इस्तीफा देने वालों का सिलसिला जारी रहेगा। एक दिन पहले तक ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे विधायक जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके साथ ही विधाननगर के मेयर इन काउंसिल देबाशीष जना और आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के तीन पार्षदों ने कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और फिर उन्होंने चार टीएमसी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में आते ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर की साफ सफाई की। उनका कहना है कि जितेंद्र तिवारी की वजह से दफ्तर अशुद्ध हो गया था, अब उसकी साफ सफाई की जानी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने दफ्तर की सफाई के दौरान उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बाद में वे लोग सड़क पर उनका पुतला जलाने उतरे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जितेंद्र तिवारी के जाने से पार्टी साफ हो गई है। इसके पहले जितेंद्र तिवारी हुगली जिले के श्रीरामपुर में एक कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश प्रमुख दिलीप घोष की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूं क्योंकि मैं राज्य के विकास के लिए काम करना चाहता हूं। तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए काम करना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा नेता हूं और बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। उन्होंने अपनी पार्टी में हमें जगह दी, ये बड़ी बात है। आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो सहित कई स्थानीय नेताओं ने जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की सूचना पर नाराजगी प्रकट की, जिसके बाद बीजेपी ने शामिल करने से मना कर दिया था। तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ पहले भी बगावत की थी, लेकिन बीजेपी द्वारा पिछले साल दिसंबर में उन्हें पार्टी में शामिल करने से इनकार करने के बाद वे मायूस हो गए थे। लेकिन बाद में लगता है कि बाबुल सुप्रियो ने अपनी सहमति दे दी थी और इसी वजह से जितेंद्र तिवारी की पार्टी में एंट्री हो गई। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच तल्ख लड़ाई जारी है। हाल ही के महीनों में टीएमसी से कई नेताओं ने बीजेपी का रुख किया। इनमें शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जैसे नाम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 27 मार्च से शुरू होंगे। राज्य में इस साल 8 चरण के विधानसभा चुनाव होने हैं। जितेंद्र तिवारी से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी, पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया समेत पार्टी के कई नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तृणमूल से राज्यसभा सांसद और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।